Hey guys, once again, welcome back. तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि दोषी डॉक्टर ह्यून से मार खाने के बाद उसकी क्लिनिक से निकलकर एक ग्रोसरी शॉप में काम करने के लिए चला जाता है। उसकी टांग में अभी भी काफी दर्द था, इसलिए वो अपने पैर को पकड़कर सोच रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्दी वो डॉक्टर ह्यून के हाथों मारा जाएगा। तभी डॉक्टर ह्यून उसे कॉल करके उसका पता पूछ लेती है कि वो अभी कहाँ पर है। साथ ही साथ दोषी उसे मिन्नतें करके वहां पर आने से मना करता है, लेकिन हमारी डॉक्टर ह्यून तड़पते हुए मछली की तरह दोषी को देखने के लिए भागी भागी वहां पर पहुंच जाती है। दोषी उसे वहां पर देखकर घबरा जाता है और उसे दूर रहकर डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर ह्यून प्यारी प्यारी बातें करके उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी थी। वो उसे एक स्पेशल डेट पर चलने के लिए कहती है। डेट की बातें सुनकर दोषी भी पिघल जाता है और उसे कहता है कि हम डेट पर जाकर करेंगे क्या। डॉक्टर ह्यून आगे बढ़ते हुए कहती है कि हम भी वही करेंगे जो बाकी सारे कपल्स करते हैं, कुछ स्पेशल, कुछ हटके। इस दौरान वो हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के आसपास नजदीक आ रहे थे। तभी ग्रोसरी शॉप में बोरा की माता पिता एंटर करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर ह्यून फिर से दोषी के ऊपर वार करके उसके नाक में अपना सर दे मारती है। ओ भाई, इस बात तो कुछ ज्यादा ही हो गया था, क्योंकि दोषी के नाक से खून निकल रहा था। फिर से डॉक्टर ह्यून उसे धीरे से सॉरी कहती है और झूठ मूठ का डांट कर वहां से निकल जाती है। दोषी भी अब सोच में पड़ गया था कि डॉक्टर ह्यून सच में उससे प्यार करती है, उसे डेट पर ले जाना चाहती है या फिर उसकी जान लेने की कोशिश कर रही है। इधर बोरा की माता पिता ये बात कर रहे थे कि दोषी ने ऐसा क्या कर दिया कि डॉक्टर ह्यून उस पर इतनी नाराज हो गई। तो दोषी इन सब बातों को सुनने के बाद बिना जवाब दिए उदास होकर वहां से चला जाता है। शाम होते होते डॉक्टर ह्यून काफी परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि वो दिन भर दोषी को काफी सारे मैसेज करके माफी मांग रही थी, लेकिन दोषी उसकी किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वो परेशान होकर दोषी के घर पर चली जाती है, लेकिन दोषी वहां पर नहीं था। फिर वो घर के अंदर जाकर दोषी की चीजों को देखने लगती है। उसे वहां पर दोषी की बचपन वाला फोटो दिखता है और वो उस फोटो को किस करके अपना प्यार जता रही थी। वहीं बाहर दोषी अचानक से अपने घर पर तीनों दादियों को बुलाकर ले आया था, ताकि वो अकेले रह रही दादियों के साथ थोड़ा सा वक्त बिता सके, उन्हें खुशियां दे सके। तभी उसकी नजर घर की ऑन हुई लाइट्स पर पड़ती है और वो उन सबको बाहर वेट करा के अंदर देखने के लिए जाता है। दरअसल उसे शक तो था कि डॉक्टर ह्यून ही अंदर होगी, लेकिन बाहर रखी हुई डॉक्टर ह्यून के जूतों को देखकर उसका शक सच में तब्दील हो जाता है। वो जूतों को साइड में छुपाते हुए तीनों दादियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब उसकी बात नहीं मानती और सीधा घर में घुस जाती है। दोषी की अजीब हरकत देखकर दादियों को शक हो जाता है कि दोषी कुछ तो उनसे छिपा रहा है, इसीलिए वो बहाने से सारे कमरों को चेक करती है। इस दौरान दोषी की धड़कनें तेज हो रही थी कि कहीं उनकी सीक्रेट प्यार गुप्त प्रेम इन दादियों के जरिए जगजाहिर ना हो जाए, और फॉर्चुनेटली दादियों के हाथ कोई शक या सुराग नहीं लगता। इसके बाद दोषी दादियों के हाथ में परफ्यूम वाला कैंडल पकड़ाकर जबरदस्ती उन सबको वहां से भगा देता है। दोषी पूरा घर छान मारता है, लेकिन डॉक्टर ह्यून उसे भी कहीं नहीं मिलती। जब वो अपने कवर्ड खोलता है तो डॉक्टर ह्यून उसी में थी। फाइनली उसे देखकर दोषी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और उसे कहता है कि तुम बिना बताए ऐसे ही मत आया करो, आज तो हम बच गए लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर ह्यून उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें लाखों कॉल लाखों मैसेजेस किए, पर तुमने एक बार भी मुझे रिप्लाई नहीं दिया। पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं भागी भागी तुम्हारे घर पर आ गई। दोषी कहता है कि उसका सेलफोन कहीं गुम हो गया है, शायद उसने काम करते वक्त कहीं पर छोड़ दिया है, इसलिए उसके फोन कॉल और मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे पाया। फिर वो प्यार से डॉक्टर ह्यून को गोद में उठाकर कबर्ड के बाहर ले आता है। इस दौरान डॉक्टर ह्यून उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी इग्नोरेंस बहुत तकलीफ देती है और मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम मुझे इग्नोर कर दो। दोषी उसे कहता है कि ठीक है बाबा, तुम्हें मुझसे और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी बता दो। इस पर डॉक्टर ह्यून उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते में किसी तरह की झूठ फरेब या किसी तरह की कोई सीक्रेट की जगह हो, ये सारी चीजें रिश्तों को कमजोर और बेजान बना देती है। यहाँ पर डॉक्टर ह्यून की बातें सुनकर दोषी का चेहरा उतर गया था। तो क्या दोषी डॉक्टर ह्यून से किसी बात को छुपा रहा है या फिर दोषी झूठा है। खैर, इस दौरान दोषी का पैर फिसल जाता है और दोनों बेड पर जाकर गिरते हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के नजदीक आ चुके थे। अब तो दोषी डॉक्टर ह्यून के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। वो डॉक्टर ह्यून के होठों को चूमने ही वाला था कि तभी डॉक्टर ह्यून की फोन बजने लगती है और उन दोनों का पर्सनल मोमेंट खराब हो जाता है। उन दोनों को ऑकवर्ड फील हो रहा था, लेकिन डॉक्टर ह्यून अंदर से अपने फोन पर खुन्नस खाए बैठी थी कि इतना बढ़िया मोमेंट इस फोन कॉल की वजह से स्पॉइल हो गया।
निर्दोषी डॉक्टर यून को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है। वो दोनों प्यारी प्यारी बातें करते हुए जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर यून सामने से आते हुए गांव वालों को देखकर फिर से दोषी की बाजू में रोड़ देती है। गांव वाले दौड़ते हुए दोषी को बचाने के लिए आते हैं और डॉक्टर यून को डांटते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारी समस्या क्या है, तुम हर वक्त उसे मारने पर क्यों तुली हो, तुम तो किसी चुड़ैल की तरह इसके पीछे ही पड़ गई हो। फिर वो सब एक एक करके डॉक्टर यून का दोषी को मारने वाला इंसिडेंट बताते हैं। फिर क्या था, गांव वाले डिसाइड करते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग रखा जाएगा, अगर कोई भी इन दोनों को एक साथ में देखता है तो वो तुरंत ही दोनों को अलग कर देगा। यहाँ से फिर गांव वाले दोनों को अपने अपने घर भेज देते हैं। ये क्या हो गया भाई, मिलन से पहले जुदाई हो गई, ये तो बहुत ही दर्दनाक है। खैर उन दोनों की रातें बहुत मुश्किल से कटती है। अगले यार आखिरी बार प्यार से कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, वरना चलना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। जस्ट किडिंग यार, छोटा सा लाइक ही तो है, कर दिया करो ना। आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखती है और ये बहुत मदद करती है मेरी, तो प्लीज कर दिया करो। अगले दिन डॉक्टर ह्यून दोषी को देखने के लिए भागी भागी होयुन के कैफे में पहुंचती है, लेकिन होयुन उन दोनों को आपस में मिलने नहीं देता। लाख कोशिश करने के बाद भी उन दोनों के बीच बात तक नहीं हो पाती। क्लिनिक जाने के बाद भी डॉक्टर ह्यून उदास थी, लेकिन वो ये सोचकर नामसुक की होटल से खाना ऑर्डर करती है कि दोषी तो वहां पर डिलीवरी बॉय है तो वो ही उसका खाना डिलीवर करने के लिए आएगा। लेकिन उसके विपरीत नामसुक ही डॉक्टर ह्यून के ऑर्डर को लेकर टपक जाती है। यहाँ पर नामसुक उसे बताती है कि तुम्हें क्या लगा था कि कल हम मजाक कर रहे थे। वो मजाक नहीं था, अब से तुम और दोषिक बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। और डॉक्टर ह्यून उसकी मुंह को ताकते रह जाती है। वो पूरा दिन दोषिक को देखने के लिए उससे बात करने के लिए तरस गई थी, और दोपहर को जब वो किसी काम से क्लिनिक से बाहर गई थी तो दोषिक उसे रास्ते में दिख जाता है। डॉक्टर ह्यून दोषिक को देखते ही भागते हुए जाकर उससे लिपट जाती है और उसे कहती है कि तुम एक नया सेल फोन क्यों नहीं ले लेते, ताकि हमें इस तरह गांव वालों से छिप छिप कर ना मिलना पड़े। वो कुछ और बातें कर पाते उससे पहले ही बोरा के माता पिता दोनों ही उनके सामने आ जाते हैं और फिर से उन दोनों को एक दूसरे से बिछड़ना पड़ता है। इस दौरान दोनों ही उदास होते हुए एक दूसरे को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। दूसरी तरफ चोयोन चुल डॉक्टर ह्यून की क्लिनिक पर गया था। अपनी मुंह की क्लिंजिंग करते वक्त वो मेसन से कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती या फिर मैं तुम्हें नफरत करता हूँ, दरअसल तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हें धीरे धीरे जानना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी रिलेशनशिप को समझना चाहता हूँ। चोयोन चुल के चले जाने के बाद मेसन उसकी बातों को याद करके मन ही मन मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर ह्यून अभी भी अपने चैम्बर में उदास बैठी हुई थी, तभी दोषी किसी और की फोन से कॉल करता है और उसे कहता है कि शाम को टाउन हॉल में मीटिंग है तो सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठा होंगे, पर हम दोनों बहाना मारकर वहां पर नहीं जाएंगे बल्कि बीच के पास डेट के लिए निकल जाएंगे। ये सुनकर डॉक्टर ह्यून खुश हो जाती है और दोनों बेसब्री से शाम होने का इंतजार करते हैं। शाम को दोषी मिस्टर होयुन के सामने तबीयत खराब होने का बहाना मारते हुए कहता है कि आज वो टाउन हॉल में होने वाली मीटिंग में नहीं जा पाएगा, तो आप सबको बता देना कि मैं वहां पर नहीं जा पाऊंगा और मेरी तबीयत खराब है। इसके बाद वो भागा भागा अपने घर पर जाता है और डॉक्टर ह्यून से मिलने के लिए तैयार होने लगता है। दूसरी तरफ गांव के लोग टाउन हॉल में किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। अब शाम ढलते ही दोषी और डॉक्टर ह्यून एक दूसरे से मिलने के लिए चले आते हैं। वो दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे थे, तभी सारे गांव वाले उनके सामने आकर चिल्लाने लगते हैं कि हमने देख लिया। तो दोषी सबसे अपनी रिलेशनशिप को छिपाने के लिए बहाने पर बहाने दिए जा रहा था कि बड़े शहरों में थैंक्स कहने के लिए लोग ऐसे गले मिलते हैं और ना जाने क्या क्या बहाने उसने सबके सामने परोसे। लेकिन डॉक्टर ह्यून यहाँ पर कन्फेस कर देती है कि वो दोनों एक दूसरे के प्यार में है। ये देखकर दोषी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि हमें इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना है, पर डॉक्टर ह्यून कहती है कि हमें अब इस बात को छिपाने की जरूरत नहीं है। वो गांव वालों को बताती है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो गांव वालों भी चिल्ला कर कहते हैं कि हमें ये बात पहले से ही पता है, लेकिन हम ये बात तुम्हारे मुँह से सुनना चाहते थे। दरअसल दोषी का खोया हुआ सेल फोन बोरा की माता पिता के हाथ लग गया था और उन्होंने डॉक्टर ह्यून की भेजी हुई सारे मैसेजेस पढ़ लिए थे, जबकि नामसुक ने भी सीढ़ियों पर आते हुए उन दोनों की कन्वर्सेशन को सुन लिया था। फिर क्या था, सारे गांव वाले मिलकर इन दोनों की प्रेम कहानी को एक्सपोज करने का प्लान बनाते हैं और ये दोनों इनकी प्लान का शिकार भी बन जाते हैं। यहाँ पर सारे गांव वाले इन दोनों के लिए खुश थे और ये दो प्यार की पंछी भी अब बिना डरे सबके सामने एक दूसरे से मिल सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।